बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में तीन दोस्त सपना, काजल और सुहानी रहा करती थी। तीनों जहां भी जाती एक साथ जाती थी। तीनों एक जगह ही काम किया करती थी। वह तीनों गरीब थी, उनका अपना कहने वाला कोई नहीं था। वह अनाथ थी, खेतों में काम करके पैसे कमाती थी और अपना पालन पोषण करती थी। वह एक दूसरे को ही अपना मानती थी। एक दिन सुहानी सपना और काजल से कहती है, सपना और काजल, हम कितनी मेहनत से खेतों में काम करते हैं और उसके बदले हमें क्या मिलते हैं? चंद रुपये, जिनसे हम दो समय का खाना भी ठीक तरह से नहीं खा पाते। आधे पैसे तो किराए में चले जाते हैं। ऐसे जिंदगी जीते जीते मैं तो बोर हो गई। ना हम अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, ना ही पार्टी कर सकते हैं। ऐसे जिंदगी जीने का क्या फायदा जहाँ तुम खुश ही ना रहो। अगर हमारे पास ढेर सारे पैसे होते तो आज हम कितना इंजॉय कर रहे होते। वैसे सुहानी, तुम कह तो बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? हमारी किस्मत में जो लिखा है हमारे साथ वही हो रहा है। मेरा भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत दिल करता है। बाहर देखती हूँ लड़के कितने सुंदर सुंदर ड्रेस पहनती हैं, शादी में जाती हैं, लहंगे पहनती हैं, और हम वही रोज के फटे पुराने कपड़े। अगर तुम दोनों ऐसा सोच रही हो तो मेरे पास एक प्लान है। हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और जो जिंदगी अब हम जी रहे हैं इससे बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन हमें यह गांव छोड़कर शहर जाना होगा। मैंने सुना है वहां पर ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और पैसे ठीक ठाक मिल जाते हैं। यहाँ भी तो हम किराए के घर में रह रहे हैं, वहां भी किराए के घर में रह लेंगे। क्यों काजल और सुहानी, मैं सही कह रही हूँ ना? सपना की यह बात काजल और सुहानी को ठीक लगती है और वह तीनों दोस्त शहर जाने का फैसला कर लेती हैं। अब तीनों दोस्त अपने कुछ कपड़े लेती हैं, खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान लेती हैं और शहर जाने के लिए निकल जाती हैं। तीनों को शहर जाते जाते रात हो जाती है। वह जंगल के रास्ते शहर जा रही थी। रात हो जाने की वजह से जंगल में तीनों को बहुत डर लगता है। तभी सुहानी डरते हुए कहती है, अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका है, अगर हम थोड़ी दूर और चलेंगे तो किसी न किसी जानवर का शिकार बन जाएंगे, इसलिए हमें अभी यहाँ पर रुक जाना चाहिए और सुबह होने के बाद आगे चलना चाहिए। देखो देखो, मुझे एक कुटिया नजर आ रही है, जरूर कुटिया के अंदर कोई न कोई होगा। चलो उस कुटिया में थोड़ी देर आराम करते हैं। सुहानी की बात मानकर सपना और काजल उस कुटिया की ओर चलने लगती हैं और वहां जाकर देखती हैं तो एक बूढ़ी औरत पलंग पे लेटी थी। वह बहुत ज्यादा बीमार थी। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, अरे बेटा, तुम इतने घने जंगल में इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अपने घर से भाग कर आई हो? नहीं नहीं अम्मा जी, हमारा अपना कहने वाला कोई नहीं है और हम घर से भागकर नहीं आ रहे। हम तो काम के सिलसिले से शहर जा रहे थे। रात ज्यादा हो गई, डर लग रहा था, इसलिए सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सुबह होगी हम शहर के लिए निकल जाएंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या आप हमें एक रात अपने कुटिया में रहने के लिए जगह दे देंगी? ठीक है बेटा, तुम सुबह तक मेरी कुटिया में रुक सकती हो। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत अपनी कुटिया में उन तीनों को जगह दे देती है। तीनों को बहुत तेज भूख लगी थी। सुहानी, सपना, काजल अपना अपना खाना निकालती हैं और खाने लग जाती हैं। तभी सपना की नजर उस बूढ़ी औरत के ऊपर जाती है जो उनके खाने को एक टकाटक देखे जा रही थी। तभी सपना उस बूढ़ी औरत से कहती है, अम्मा जी, आपको भी क्या भूख लगी है? हाँ बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बहुत समय से मैंने कुछ नहीं खाया और मैं बीमार हूँ, कुछ बना भी नहीं सकती। मेरा अपना कहने वाला भी कोई नहीं है, ना तो मैं खाना बना सकती और ना ही बाहर से राशन ला सकती हूँ। इस वजह से बहुत समय से भूखी हूँ। सपना की बच्ची, तूने इस बुढ़िया से खाने के लिए क्यों पूछा? अब हमें अपने हिस्से का खाना इस बुढ़िया को देना होगा। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, मैं तो अपने हिस्से का खाना बिल्कुल भी नहीं दूंगी। शहर जाने में पता नहीं कितना समय लग जाए। ना ना, मैं नहीं दूंगी। हाँ सुहानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, मैं भी बिल्कुल भी अपना खाना नहीं दूंगी। इस सपना ने पूछा है तो सपना ही अपना खाना देगी, वरना तू भी खा ले, तुझे भी देने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम दोनों इतनी ज्यादा मतलबी कैसे हो सकती हो? अम्मा जी ने हमें अपने घर में रहने के लिए जगह दी ताकि हम आराम से रात बिता सकें। जब अम्मा को तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम पीछे हट रही हो। तुम्हें खाना नहीं देना तो मत दो। मैं तो अपने हिस्से का खाना अम्मा जी को खिला रही हूँ। अगर मैं एक दिन भूखी रह जाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं तुम दोनों की तरह मतलबी नहीं हूँ। ऐसा कहकर सपना अपने हिस्से का सारा खाना उस बूढ़ी औरत को खिला देती है और उसके बाद उनके पैर दबाती है, उनकी बहुत सेवा करती है। काजल और सुहानी पूरी रात आराम से सोती हैं। सुबह होने के बाद तीनों दोस्त शहर जाने के लिए जैसे ही जाती हैं, तभी वह बूढ़ी औरत तीनों को रोककर उनसे कहती है, तुम तीनों को शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सपना तुम बहुत अच्छी हो, तुमने पूरी रात मेरी कितनी सेवा की, मुझे अपने हिस्से का खाना खिलाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बेटा। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं तो एक जादुई बुढ़िया हूँ, मेरे पास जादुई सोने के 3 लहंगे हैं। तुम तीनों दोस्त हो लेकिन एक जैसी बिल्कुल भी नहीं हो। काजल और सुहानी सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, लेकिन मैं फिर भी इन्हें जादुई सोने के लहंगे दे देती हूँ। अम्मा जी, जादुई सोने के लहंगे, वो भी 3, मगर इनसे क्या होगा? बेटा, तुम जादुई सोने के लहंगे से अपने खाने के लिए, पहनने के लिए कुछ भी मांग सकती हो। बस तुम्हें जादुई सोने का लहंगा पैसे नहीं देगा। और हाँ, इसका जादू सिर्फ सीमित समय के लिए है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम जादुई सोने के लहंगे का इस्तेमाल कैसे करती हो। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत सुहानी सपना काजल को जादुई सोने का 1-1 लहंगा दे देती है। तीनों दोस्त खुश होकर वह जादुई सोने का लहंगा लेकर आ जाती हैं। अब तीनों अलग अलग रहने लग जाती हैं। सुहानी जादुई सोने के लहंगे से कहती है, जादुई सोने के लहंगे, मेरे सामने अलग अलग तरह के पिज्जा, बर्गर, चिली पटेटो, मोमोज, यह सब आ जाए। सुहानी के इतना कहते ही जादुई सोने का लहंगा उसे बहुत सारे अलग अलग तरह के पकवान देता है और वह उन्हें बहुत मजे से खाती है। इसी तरह काजल भी जादुई सोने के लहंगे से अलग अलग तरह के पकवान लेकर खाती है। वहीं दूसरी तरफ सपना जादुई सोने के लहंगे से कहती है, जादुई सोने के लहंगे, मुझे तुमसे अलग अलग तरह के नए नए डिजाइन के सुंदर सुंदर लहंगे चाहिए। तुरंत मेरे सामने बहुत सारे लहंगे आ जाएं। सपना के इतना कहते ही जादुई सोने का लहंगा उसे बहुत सारे अलग अलग तरह के नए नए डिजाइन के सुंदर सुंदर लहंगे देता है, जिन्हें लेकर वह बाजार में जाती है और जोर जोर से आवाज लगाकर बेचती है, सुंदर सुंदर लहंगे ले लो, नए नए डिजाइन के सुंदर सुंदर लहंगे ले लो, देखो कितने ज्यादा सुंदर है, 50% ऑफ है, सुंदर सुंदर लहंगे ले लो, शादी में, इंगेजमेंट में, जहाँ चाहो वहाँ पहनकर जाओ, सुंदर सुंदर लहंगे ले लो। इस तरह से आवाज लगाकर सपना अपने लहंगे बेच रही थी। तभी सुहानी और काजल बाजार के रास्ते से गुजर रही थी और वह उसे इस तरह से लहंगा बेचते हुए देखकर हंसती हैं और उससे कहती हैं, देखो सुहानी, पता नहीं सपना को अपने दोस्त हमने कैसे बना लिया। इसके अंदर तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। इसके पास जादुई सोने का लहंगा है, फिर भी किस तरह से यह लहंगे बेच रही है। पागल, तू लहंगे क्यों बेच रही है? जब तुझे जादुई सोने के लहंगे से खाना मिल जाएगा, अब तू ये लहंगे बेचकर भी तो अपने लिए खाना ही बनाकर खाएगी ना। हाँ सपना की बच्ची, तो पागल की पागल ही रहेगी। हमें देख, हम जादुई सोने के लहंगे से अपने लिए कितने सुंदर सुंदर कपड़े लेकर पहनते हैं और हमने बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान भी मांगकर खाया है। हमें तो अब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो मजे में हैं। बस तू ही पागल बन रही है, इस तरह से लहंगे बेच रही है और पैसे कमा रही है। पैसे कमाने की क्या जरूरत जब हमारे पास जादुई सोने का लहंगा है। काजल और सुहानी, मुझे मेहनत करके पैसे कमाना अच्छा लगता है। मैं तुम दोनों की तरह पूरे दिन आराम करना नहीं चाहती और तुम दोनों भी अपने साथ अच्छा नहीं कर रही। तुम्हें भी कुछ काम धंधा ढूंढ लेना चाहिए। पता नहीं जादुई सोने का लहंगे के जादू कब खत्म हो जाए।
सुहानी और काजल को सपना की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वह दोनों मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। सपना उनके जाने के बाद अपने लहंगे बेचने दोबारा से शुरू कर देती है। सपना के लहंगे बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, इसलिए वह तुरंत ही बिक जाते हैं। अब सपना रोज इसी तरह से करने लगी थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। सपना मेहनत कर रही थी, काजल और सुहानी आराम से बैठकर खा रही थी। खाते खाते वह इतनी ज्यादा मोटी हो जाती है कि अब उनसे चला भी नहीं जाता, वह एक जगह ही बैठी रहती हैं। काजल जादुई सोने के लहंगे से कहती है, जादुई सोने के लहंगे, मेरे सामने ऐसा खाना आ जाए जिसे खाकर मैं थोड़ी पतली हो जाऊं, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा, इस तरह से तो मैं कैसे जी पाऊंगी। काजल इस तरह से 4-5 बार कहती है, लेकिन जादुई सोने का लहंगा उसे कुछ भी नहीं देता। इसी तरह से सुहानी भी अपने घर बैठकर जादुई सोने के लहंगे से अपनी फरमाइश पूरी करवा रही थी, लेकिन जादुई सोने का लहंगा सुहानी की भी एक बात नहीं सुनता। तभी जादुई सोने के लहंगे से आवाज आती है, अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, तुम हमसे जो भी कुछ मांगोगी हम तुम्हें नहीं दे पाएंगे, बस हमारा जादू इतने दिन के लिए ही था, अब हम अपने मालिक के पास जा रहे हैं, अब तुम अपनी जिंदगी पहले की तरह जियो, तुम्हें जादू सोने के लहंगे से अब कुछ भी नहीं मिलेगा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे पाएंगे। इस तरह से जादुई सोने का लहंगा काजल और सुहानी से कह देता है और जादुई सोने के लहंगे काजल और सुहानी के पास से गायब हो जाते हैं। यह देखकर काजल और सुहानी को बहुत दुख होता है और वहीं दूसरी तरफ सपना जादुई सोने के लहंगे की मदद से लहंगे बेच बेच कर इतनी अमीर हो जाती है कि वह अपना एक लहंगे का शोरूम खोल लेती है। अब उसके पास से जादुई सोने का लहंगा गायब भी हो जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उसे जादू की कोई जरूरत नहीं थी। वह अपनी मेहनत और लगन से उस शोरूम की बहुत अच्छे से चलाती है और बहुत खुश रहती है। वहीं दूसरी तरफ काजल और सुहानी के पास कुछ भी नहीं था सिर्फ मोटापे के सिवा। उन्हें अपने के पर बहुत पछतावा होता है और वह एक दिन सपना से कहती हैं, सपना हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया और तुमने हमें समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन हमने तुम्हारी बात नहीं समझी। अगर आज हम तुम्हारी तरह जादुई सोने के लहंगे का सही इस्तेमाल कर रहे होते, आराम नहीं करते, मेहनत करते, तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हम इतने मोटे नहीं होते, हम भी तुम्हारी तरह किसी न किसी शोरूम के मालिक होते और अपनी जिंदगी ऐश की बिता रहे होते जैसे कि तुम बिता रही हो, हमें अपने के पर बहुत पछतावा है। इस तरह से काजल और सुहानी को अपने के पर पछतावा होता है और उन्हें समझ आ जाता है कि अगर वह जादुई सोने के लहंगे का सही इस्तेमाल करती तो आज वह बेहतर जिंदगी जी रही होती और वह जरूरत से ज्यादा मोटी भी कभी नहीं होती।